अगला प्रश्न है ऐसा कहा जाता है कि बोलो भारतीय संस्कृति पर, आपको बोलना इसकी भी प्रतियोगिता होती है। अचानक आपको खड़ा कर दिया जाएगा और बोले कहा जाएगा कि आप बोलिए भारतीय संगीत पर, कोई एक विषय दे दिया जाएगा। जब आप जीवन में जाएंगे बड़ी जगहों में, विश्वविद्यालय की सीमा से बाहर निकल के, तो आप ऐसे बहुत सारे अवसर आएंगे। अचानक आपको किसी सभा में, सोसाइटी में कहा जाएगा कि आप जरा स्वागत भाषण दे दीजिए, और उस समय अगर आप लता जी को याद कीजिएगा और विद्यानंद जी को याद कीजिएगा तो स्मरण करके उनकी कृपा ले लीजिए, लेकिन शब्द आपको खुद ही तलाश करना है। तो ये है, और आपकी मेरा विशेष परिचय मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं लगभग 36 वर्षों से तमिलनाडु और दक्षिण के हिंदी की सेवा कर रहा हूँ, और मेरा एक ही मोटो है मामा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन हिंदी। आप समझ सकते हैं कि जहाँ हिंदी के विरोध के लिए इतनी सारी बातें हैं, जहाँ सरकार हिंदी के विरोध में डंडे लेकर खड़ी रहती है, वहाँ पर भी आपका ये ईश्वर करूँ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन हिंदी करके है। और आप जैसे छात्रों के बीच जाता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हिंदी को जब तक ग्लैमर नहीं मिलेगा तब तक हिंदी बहुत आगे नहीं बढ़ेगी। हिंदी को अगर हम केवल और केवल साहित्य से जोड़ के रखेंगे, केवल और केवल कविता और कहानी और लघु कथा नाटक से जोड़ के रखेंगे, तो हिंदी को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि हिंदी अभी विश्व भाषा है। तो हिंदी को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है कि उसको हम एक ग्लैमर दें, वो हमारे ग्लैमर की भाषा हो। ग्लैमर की भाषा का मतलब ये हो कि जहाँ भी ग्लैमर की बात चले, चाहे वो अच्छी नौकरी हो, IAS की नौकरी हो, IPS की नौकरी हो, चाहे वो राजदूत की नौकरी हो, चाहे वो विदेशों में नियुक्ति की नौकरी हो, चाहे वह बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके यहाँ कंप्यूटर वाले क्षेत्र में नौकरी, तो आपको वो ग्लैमर अपनी भाषा में, अपने शब्द में पैदा करना पड़ेगा, और तभी आपको हिंदी आगे बढ़ पाएगी। तो मैं यही कहता हूँ, करते करते मैं हंसी मजाक में बोल देता हूँ, टाइटिंग प्रोवाइड यू हिंदी, मैं हिंदी में कुछ भी आपको दे सकता हूँ, आपको प्रेम पत्र भी अच्छा लिख के दे सकता हूँ, और आपको साथ पत्र भी अच्छा लिख के दे सकता हूँ, एम्बुलेंस लेटर भी हिंदी में और लव लेटर भी लेकिन हिंदी, और आपको अच्छा लगा तो बहुत बड़ी संख्या में मैं छात्रों तक पहुँचा। मेरी जो रचनाएँ हैं दक्षिण भारत के BA के कोर्स में लगी हुई हैं, पाठ्यक्रम में मेरी गजलें, मेरे गीत, मेरे लेख, और मेरे ऊपर PhD हुआ है, MPhil हुआ है, UGC का जो प्रोजेक्ट होता है अपनों का, वो प्रोजेक्ट भी मेरे ऊपर हुआ, मेरे साहित्य हुआ है, और मेरी अभी तक लगभग 14 पुस्तकें प्रकाशित हैं। उन सारी पुस्तकों के लिए मुझे बहुत सारी प्रशंसा मिली है। तो ये सब है, और जहाँ तक नौकरी की बात है, मैंने जैसा कहा मैं दक्षिण भारत हिंदी विचार सभा में उसके 100 वर्ष पुरानी संस्था है, देश की सबसे पुरानी हिंदी की संस्था है, 1918 में महात्मा गांधी ने उसकी स्थापना की थी, और उस संस्था के द्वारा पूरे 5 राज्यों में वो संस्था काम करती है, और ये समझ सकते हैं कि 5 यूनिवर्सिटी के बराबर वो संस्था है, और उसमें PG सेंटर है हमारे, MS लेते हैं, स्किल PhD डिग्री सबकी पढ़ाई होती है। मैं उसमें 100 साल जो पूरा हुआ उसका मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रहा, और उसके नाते मैंने राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम उसको उद्घाटन के लिए दिल्ली में करवाया विज्ञान भवन में, फिर उनको हमने चेन्नई अपने हिंदी प्रसार सभा के परिसर में उसको बुलाया। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी मूर्ति दक्षिण में है कांस्य मूर्ति, उसका उद्घाटन उन्होंने किया। आप लोग अगर ये जानते होंगे कि महात्मा गांधी के हेरिटेज सेंटर्स हैं पूरे देश में, मात्र 39 हेरिटेज सेंटर्स रखे हैं, मतलब 4000 से अधिक आए थे जहाँ गांधी जी रहे, तो उसमें एक में गांधी जी वहाँ 10 दिनों तक रहे थे हमारे कैंपस में, वो भी काम भी है सुरक्षित हुसैन के मकाम पर, वहाँ पर बैठे थे, जहाँ गायक थे, जहाँ वो गणपति राम बना, ये सारा शिक्षा तो मैं वहाँ था, और मेरी दक्षिण में इनकी सेवा रही है। आप सभी कभी अगर दक्षिण की तरफ आए, चेन्नई की तरफ आए, तो ज़रूर मेरा नंबर पास मिलेगा, मेरे लायक कोई भी सेवा होगी मैं ज़रूर आपके लिए करूँगा, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, चाहे पढ़ने की व्यवस्था हो, चाहे आपके कल बाल बच्चों में उनको पढ़ने की व्यवस्था हो, या फिर आप कल हनीमून मनाने जा रहे हैं रोटी जैसे कि घर में रहने की व्यवस्था हो दक्षिण भारत, या फिर अगर आपके मन में थोड़ा सा साधु प्रवृत्ति हो गया रामेश्वरम जाना चाहते हैं, तो उन सब लोगों के लिए आप मेरा निश्चित रूप से पत्ता ला सकते हैं।